भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, फिल्म महोत्सव के प्रस्तुतकर्ता एवं जूरी के सदस्य, श्री देवाशीष सरगम, संस्थापक और निर्देशक मूनवाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पंडित सुभाषित राज जूरी सदस्य, सम्मानित जूरी सदस्यगण, विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, देवी और सज्जनों, मूनवाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुरस्कारों की प्रस्तुति के लिए आपके बीच आकर मुझे वास्तव में खुशी हो रही है। भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान है। दरअसल मैंने उनके दिवंगत पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के भी कई भजन सुने हैं। इसलिए जब अनूप जलोटा जी ने मुझसे पुरस्कार समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया तो मैंने तुरंत अनुरोध स्वीकार कर लिया। भले ही आज मेरे लिए बहुत ही व्यस्त दिन था, आज सीमा पार से देश के दुश्मनों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों की शहादत की 15वीं वर्षगांठ है। यह गर्व की बात है कि आतंकवादी हमले के बाद भी भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। दूसरी ओर आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला देश हर मोर्चे पर नाकाम हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता खो रहा है। इस अवसर पर मैं शहीद हुए हमारे जवानों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बताया गया है कि छठा मून वाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट कल शुरू हुआ और इसमें दुनिया भर से विभिन्न शैलियों के कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि फिल्मों का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था जिसमें राहत जाफरी, पंडित सुभाषित राज, श्री योगेश लखानी, CMD ब्राइट इंडोर मीडिया, गायक डॉक्टर जसपिंदर नरूला और प्रसिद्ध फिल्म स्टार श्री अरुण गोयल शामिल थे। मैं जूरी के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ। श्री देवाशीष सरगम द्वारा स्थापित मूनवाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न केवल सिनेमा की कला का उत्सव मनाता है बल्कि उन असाधारण प्रतिभाओं को भी सम्मानित करता है जिन्होंने हमारी फिल्म विरासत को समृद्ध किया है। आज हम फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध गायक श्री आगम निगम को हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री आगम निगम की सुरीली आवाज ने वर्षों से लोगों के दिलों को छू लिया। मैं सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार प्राप्त करता श्री समित अंजान को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनकी कलम ने कई सुंदर गीतों के बोलों में काव्यात्मक जादू बुना है जिससे वे कालजयी और गुंजायमान हो गए हैं। सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार प्रतिभाशाली गायिका श्रीमती साधना सरगम को दिया गया है जिसकी मनमोहक आवाज ने अनगिनत गीतों में गहराई और भावनाएं जोड़ी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मृत्यु वर्मा को दिया गया है जो एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति है जिसने अपनी कहानी और कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुधीर अत्तावर की दूरदर्शिता और कौशल की भी सराहना करते हैं जो दर्शकों को पसंद आई और एक अमिट छाप छोड़ गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता के लिए भी तालियां जरूर बजानी चाहिए जिनके अभिनय ने मनोरंजन के साथ हमें प्रेरित भी किया। इस प्रतिष्ठित उत्सव के प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री अनूप जलोटा जी और पंडित सुभाषित राज और अन्य सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे से अथक प्रयास किया है। मेरा जन्म 1947 में हुआ जिस वर्ष भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। संयोग से भारतीय फिल्म उद्योग अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। मैंने उस सुंदर स्वर्ण युग की बेहतरीन फिल्में देखी, बेहतरीन संगीत सुना है,
और बेहतरीन गीत लिखे हैं। आज भी कई फिल्मों के गाने मैं गुनगुनाता हूँ। मुझे दुख है कि आज गुनगुना सके ऐसे गाने बनते ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म निर्माता एक बार बेहतरीन फिल्में बनाए, आपकी फिल्मों को आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करना चाहिए। मैं इसलिए ये बातें कह रहा था कि अभी एक कार्यक्रम में रोज जनपद जी भी मेरे साथ थे, देवानंद जी का कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर रहा था। उस समय मैंने कहा था कि अभी जो गीत होते हैं उसमें संगीत ज्यादा होता है, बोल कम होते हैं। पुराने गाने जितने भी देखे, आज भी निगम जी ने जो गाना गाया पुराने गाने में, पुराने गाने में जो मधुरता, और मैं तो उस दिन कहा भी था कि कोई अगर बाथरूम में कोई गाना गुनगुनाना चाहे तो पुराने ही फिल्मों के गाने को गुनगुनाते हैं। भारत में बच्चों का भव्य फिल्म महोत्सव, एक भव्य युवा महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। हम अपनी फिल्मों के माध्यम से शांति और सद्भावना का संदेश दे सकते हैं। फिल्म निर्माताओं के पास युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रभावित करने का माध्यम है। आइए हम रचनात्मक और सकारात्मक फिल्में बनाए जिससे शांति, सकारात्मक का ज्ञान का निर्माण हो। अंत में मैं प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को सिनेमा की दुनिया में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक फिल्म फेस्टिवल बच्चों की फिल्मों के लिए होना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, उसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अगले अपने फेस्टिवल में एक कैटेगरी रखेंगे जिसमें बच्चों की जो फिल्में हैं उसको हम अवार्ड देंगे। तो जो लोग बच्चों की फिल्म बना रहे हैं वो इसको बात को ध्यान से सुने, और नेक्स्ट हमारे 7th जो फेस्टिवल होगा उसमें आप लोग अपनी फिल्म जो बच्चों में बनाई वो भी भेजिएगा। सर, आप इतने व्यस्त रहते हैं, उसमें इतना समय निकाल के आप इस फेस्टिवल को कैसे दे पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो काम मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए। अब अगर मुझे कोई आज बुला ले कि किसी डिस्को में आना, तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मेरा मन होता है। मैं सुबह से आया हूँ जयपुर से, और कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, कुछ मंत्र रिकॉर्ड किए मैंने, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ के बाद मुझे, हाँ आइए, यहाँ के बाद मुझे फिर एक बहुत अच्छी सिंगर हैं पूजा गायतुंडे, बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी शादी अटेंड करनी है। तो वहाँ वहीं जाना चाहिए इंसान को जहाँ उसका मन करता है। मैंने जब ये रिक्वेस्ट यहाँ आने के लिए गवर्नर साहब को भेजी तो वो इतने खुश हुए, कहने लगे यही सब तो होना चाहिए, लोगों के जो टैलेंट्स हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं देवाशीष को बहुत बधाई देता हूँ कि ये इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। अब ये जो 7th फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल अगले साल, आप देखिएगा कि वो और खूबसूरत होगा, आज से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ पूछे ना, आपने चिंता जताई है कि जो आज का म्यूजिक है कहीं ना कहीं जो उसके लिरिक्स से लोग भूल रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय ये है कि लिरिक्स ही हैं जो याद रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको सुनाऊँ, ला 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 ला, इसमें वो दम नहीं है, लेकिन इसमें लिरिक्स मिला दीजिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इसका मतलब है कि लिरिक्स हैं जो याद रहते हैं लोगों को। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय, यानी पोइट्री आगे है, म्यूजिक उसके पीछे है। तो अच्छी पोइट्री जो आजकल बहुत कम सुनने में आ रही है उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अनुप सर, इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सारा क्रेडिट गवर्नर साहब ने आपको दिया है सर? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया, इनको दिया है। अरे मुझे तो ये कहा है कि भाई आप इसमें सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो हम हमेशा सहयोग देते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे जो काम करते हैं वो देवाशीष करते हैं, इनकी टीम करती है और बहुत काम करते हैं। देवाशीष सर, आपसे सवाल है कि किस तरह की जर्नी रही 6 सालों में, क्या क्या आप अचीवमेंट समझते हैं इस जर्नी के दौरान, और फ्यूचर में क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए?
देखिए पहला तो ये सिक्स्थ ईयर हमारा जो है इसके प्रेजेंटर अनूप जी और SBI बैंक है। सो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म फेस्टिवल को इस लेवल पे लाना और कम समय में लाना। सिक्स्थ ईयर है हमारा क्योंकि इसके लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। बीच में 2 साल जो आपको पता है कि कोविड सिचुएशन भी था हमारे पास, लेकिन उस वक्त भी अनूप जी ने कहा और हमने डिसाइड किया कि हम इवेंट को बंद नहीं करेंगे और हम ऑनलाइन करेंगे। सो उस वक्त भी बहुत सारे फिल्म आई, ऑफलाइन में भी आई और ऑनलाइन में भी चल रही। अब तो खैर अब हम पूरी तरह से फेस्टिवल कर रहे हैं। इसका मोटिव जो है फिल्म फेस्टिवल का सिर्फ यही नहीं है कि हम पिक्चरें दिखाएं, हमें ये दर्शाना है कि जितनी भी अच्छी पिक्चरें आएँ, जो टैलेंट छुपा है, जैसे कल भी नो वाटर लैंड हुआ है, टिट्टू अंबानी कल भी दर्शाई गई है, और जो है आपका हे फॉरनर जो आई थी जो इंग्लैंड से थी, वो भी उनके जो एक्ट्रेस है वो इंग्लैंड से हैं बट वो इंडिया में वो काम कर रही है, काफ़ी पिक्चरों में काम कर रही है, उनकी भी मूवी आई थी। एंड बहुत ही बेहतरीन मूवी लाती है फिल्म फेस्टिवल, और नेटफ्लिक्स से भी हमारी मूवी आ चुकी है, वुडी हैरिसन की भी मूवी आ चुकी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अन्य फेस्टिवल में नेटफ्लिक्स कभी भी अपनी मूवी सिलेक्शन या अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। बट गुरुजी का आशीर्वाद है कि नेटफ्लिक्स के 2 साल जो है हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और अगले साल भी फिर शायद वो ज्वाइन होंगे। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फेस्टिवल, और मैं बाकी जूरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि करके आए। हाँ, सब थैंक यू के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो फिल्म फेस्टिवल का धन्यवाद, जूरी मेंबर्स, चीफ गेस्ट एंड ऑल दी फिल्म मेकर्स जो इस फिल्म में हिस्सा लिया और जो जीते हैं और जो शायद अगले साल फिर जीतेंगे, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो जहाँ पानी नहीं है उसके बारे में, नो वाटर लैंड, जो कि महाराष्ट्र में जगह है नासिक, वहाँ के 2 गांव की कहानी है, गोलसपाड़ा बोरचिंग। और अवार्ड पहला अवार्ड है आपका शायद, ये तो कैसा लग रहा है? नहीं, ये इस फिल्म फेस्टिवल का मेरा ये दूसरा अवार्ड है। ओ, मुबारक। इससे पहले मैंने एक और फिल्म बनाई थी जो कि अगेन सोशल ड्रामा थी, पेनफुल प्राइड, वो मैंने पॉज के ऊपर थी, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतुराज जी को मिला था। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस साल की पहली है जो मैंने पहले यहाँ भेजी है जिसका मुझे अवार्ड मिला, इस फिल्म को मिला। गांव का चयन कैसे आपने किया? जी, उस गांव का चयन कैसे किया? एक NGO है वेल्स ऑन व्हील्स जो कि लंदन बेस्ड है, और शेज़ मेनन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो उसके फाउंडर भी हैं। तो संजय कपूर सर के थ्रू ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, और हम जब रेकी पे गए तब हमें मालूम चला कि उस ज़मीन में पानी नहीं है, वहाँ पाइप्स हैं, नल है, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं। तो जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, उस पानी भरने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती। इट्स रियली वी एक्साइटेड, वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट द कन्नड़ मूवी इज गोइंग टू गेट सच ए ऑनर हियर इन महाराष्ट्र, एंड नॉट ओनली दैट द ऑल द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म। So it's really great honor for us to receiving this award from Governor Shri Ramesh Bias ji, and thank to Anup Jalota sir, also the founder and director Sudham Devashi Sargam ji. Yeah, the whole team is really Sudhir Ratta really. Put a lot of effort on that movie actually. In fact, even sound effects and BGMs are looking very, very, very good actually. And I had to thank the producer. Actually, we made it quite a long time, like 2018 we just completed and did that censor in 2021. Because some other reason, this is the second part of one film actually. Okay. That film has been removed within 3 days of the release. So our producer was a bit disappointed and we kept this film aside. Then we rebuilt the thing whole and we started sending these festivals. It's already been selected for Manchester Film Festival and Kenya Film Festival. And of course, it's a great honor to begin with this Moon White Films International Film Festival. And my producer, Mr. Trivikram, actually, we are doing a film Koragajja, where Kabir Bedi, Ganesh Acharya from Hollywood, Bollywood, and Sandeep Soparkar, they are all in the main
team in our film Koragajja. We completed the shoot and post-production work is on. I have to thank Mr. Vidyadhar Shetty, who is the executive producer and editor of this film, who just coordinated everything. अच्छी जी कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ता है. जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वक्त तो निकालना पड़ता है. पहली बार मैं आप सबके मुखातिब हूँ तो नमस्कार बहुत बहुत. और आप लोगों को थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से आके प्रोत्साहन बढ़ाते हैं नए लोगों का. और ये 7 साल से 6 साल से ये मूनवाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, इनसे मैं अबाउट 4-5 साल पहले से जुड़ी हूँ. तो ये देवाशीष सरगम बहुत मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ से जा जा के मतलब जो है लोगों को इस तरह से कांटेक्ट करके अपनी बलबूते पे, यानी कोई ज़्यादा उनका ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था है या कुछ है जो करा रहे हैं. तो ये वन मैन शो टाइप है, तो इसीलिए मैं हमेशा उसको प्रोत्साहित करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेहनत करता है. तो आई रियली विश हिम ऑल द गुड लक एंड सक्सेस इन फ्यूचर. और आप लोग भी इसी तरह आते रहें और ये होता रहे. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मूनवाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, देवाशीष सरगम जी का, कि एक तो उन्होंने इतना अच्छा फेस्टिवल बनाया जहाँ पे हम अपनी शॉर्ट फिल्म सबमिट कर सकें और आप एक इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं और अगर आप उसमें आपको अवार्ड मिलता तो आपको बेहद खुशी मिलती है. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी कास्ट अंदर है वो चीयर कर रही है लोगों को, बट अगर मैं आज एक डायरेक्टर बन पाया हूँ शॉर्ट फिल्म का तो वो मेरे कास्ट की वजह से है, विच इंक्लूड सिमरन गंगवानी, डॉली डडलानी, कविता पायस एंड फरीदा वेंकट पटेल, तो एंड योगी चोपड़ा, बिकॉज योगी वॉज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन. उन्होंने मेरे साथ हेल्प किया को प्रोड्यूस करने के लिए एंड ही शॉट द फिल्म विथ मी ऑल्सो, हेल्प मी आउट ऑल्सो. सो आई थिंक एक फिल्म अकेले नहीं बनती, आपको बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है एंड आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैड दोज पीपल विद मी. ये 6ठा साल आ गया है एज ए न्यूमरोलॉजिकल बताएं और इस साल गवर्नर भी आ गए, इतने सारे महाराष्ट्र टूरिज्म से लेके इतने सारे स्पॉन्सर्स भी इस बार जुड़ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. नो डाउट कि अगर आपने इस पर एस्ट्रोलॉजी से अगर इसको जोड़ना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, तो 6 नंबर को बड़ा लकी माना गया क्योंकि उलट फेर है वो. ऊपर से 9 पढ़िए और नीचे से 6 पढ़िए, कन्फ्यूजन है ना, 6 नंबर में कन्फ्यूजन है कि नहीं, उलट दीजिए तो 9 हो जाएगा. तो इस साल कन्फ्यूजन है कि कितना आगे जाएगा, लेकिन आगे जाएगा ये पक्का है क्योंकि अभी जिन लोगों का साथ है ये आगे बता रहा है कि 7 नंबर पर जो है लक खुलेगा और वो लक ऐसा खुलेगा कि पैसे आएंगे. मेन बात ये है कि इसको आगे और खूबसूरत बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे आएंगे और 7 नंबर पर पैसे आएंगे और 8 नंबर हम लोग मजबूत हो जाएंगे, यानी कि हम लोग एलिफेंट हो जाएंगे और बड़ा बड़ा कार्यक्रम को करेंगे और देख करके फिल्में आएंगी, ज़रूर आएंगी, बहुत आएंगी और हम लोग संभाल नहीं पाएंगे अगर मीडिया इसी तरह साथ देता रहा जो आप लोग दे रहे हैं. तो अब हम ये नंबर पर तो रुक जाएंगे, अगर अगला सवाल कुछ है तो हम देते हैं, बोलिए. So I actually, because he made the movie, he was directing it, but I was like helping a little bit with shooting, but we made it in Bali, yeah, and it's even called Bali Photo, but yeah, it's a comedy movie that based on the story, like of the movie Lord of Rings, so we just tried to make like a funny parody of that movie, yeah, so I hope it went great. बताऊँ कि अगर मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है तो इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये मेरे एक्टर्स हैं. एक मिसिंग है फरीदा पटेल वेंकट, ये कविता पायस है, ये डॉली डडलानी है और ये सिमरन गंगवानी है. और अभी ये जो कहना चाहे ठीक है, वो है राजेश बलवानी के साथ वर्क करना वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हम लोग ने ऑल नाइट शूट किया था एंड फिर भी वी वर लाइक ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम. ऐसे लग रहा था जैसे बस घर के लिए, वी आर जस्ट डूइंग समथिंग फॉर फन एंड इट टर्नड आउट सो ब्यूटिफुल विद हिज राइटिंग एंड हिज डायरेक्शन एंड
I mean, we are good girls. Yes, we are. Yes, we are. So, thank you, Rajesh. I think so. Thank you to Rajesh. She hame ye chance diya, moka diya. And looking forward for more and more and more good girls, part 2, part 3, part 4. Fair enough. Yeah, yeah. So I would like to say, I know Mr. Rajesh Malwani is an actor, a very senior actor that I've known from years, and he's got into his directorial venture, and he's done a lot of films. Good Girl is one of the films that are very dear to us, because we four friends, Farida, Venkat including, are a thick group, are a most loved group, yeah. And he directed, he chose the right ones for the films, so I think the beauty of the film came out through us as beautiful friends, and he being the main guy in the film has done a brilliant job, and I think you guys should watch the film on YouTube. It's titled Good Girls. It's a beautiful film. It's a very family friend film. Do watch, and thank you for all the blessings, guys. Just one last thing I'd like to add is ki jab humne writing ki na to in logon ke inputs bhi bahut the. ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ राइटिंग ये बोला कि ये होने वाला है. देयर वर लॉट ऑफ इनपुट्स एंड ऑफ कोर्स वी ऑल वुड लाइक टू थैंक देवाशीष सरगम जी एंड मून वाइट फॉर गिविंग अस दिस ऑपर्चुनिटी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. गवर्नर आए, सबने बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई थॉरली एंजॉयड. यू'ड बी सरप्राइज्ड दैट आई वाज वाचिंग द मूवीज एंड आई went through the movies, you know, and I never, in the evening after we finished, I was asked whether I was tired, but they all themselves said that I look so fresh. I went home and I asked my family members, am I looking tired? And they said, no, you just look as fresh as you left. So you can imagine that when you see some good work done, it freshens you up, it stirs you, and I am very grateful for this Moon White International Film Festival. They invited me, they made a part of their jury, and I'm grateful to all my colleagues and everybody connected with this. All the volunteers were so cute. They were very nice and very, I would say, humble, and they were receiving, they received me beautifully. Only there was a little thing happened today, because I could not reach the venue. I was these things happen. As you heard Devji saying that some mistakes are there. I reached that Santa Cruz Milan. I thought it is there. So locating this was, it took a lot of my time.